गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आज आप लोगों के बीच यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और आज राजकोट के अंदर हम हैं और एक ऐसी कंपनी के अंदर हम हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल से अपने बिजनेस को एक फर्श तक पहुँचाया हुआ है। और जिस कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो नितमन गोल एक्सपोर्ट LLP के दोनों डायरेक्टर आज हमारे बीच में हैं। तो उन डायरेक्टर्स के साथ आज हम बात करेंगे और उनके जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार है? ओके, ग्रेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नितमन गोल्ड एक्सपोर्ट LLP के दोनों डायरेक्टर मनसुख सर और नितिन सर को हम यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सर जर्नी के बारे में। सबसे पहले आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एनर्जेटिक लोगों के साथ आज मिलना हो रहा है और बातें हम कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे चाय पर अपनी डिस्कशन होती है, तो नॉर्मली ही अपने को चर्चा करनी है। सर, हम सब लोग पहले जानना चाहेंगे आपके खुद के जर्नी के बारे में कि सर कहाँ से सफ़र आपने स्टार्ट किया। और मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ करूँगा और कुछ क्वेश्चन मैं सर के साथ करूँगा, तो दोनों का अल्टरनेट अपना क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। मैं पहले राजकोट आया 1989 में और एक ही गोल लेकर आया था कि मेरे को गोल्ड या सिल्वर इंडस्ट्री में जाना है। मेरे को पता नहीं था गोल्ड सिल्वर क्या है, इवन मेरी सात पीढ़ी में भी कोई जानता नहीं था गोल्ड और सिल्वर क्या चीज़ है। सही, हम ऐसे पुअर फैमिली से आते हैं वैसे, लेकिन हमारा एक गोल था कि हमें भाई ये इंडस्ट्रीज में जाना है। हमें तो यहाँ पे मैं 1989 में 10th की एग्ज़ाम क्लियर करके मैं यहाँ पे आ गया था। 15 साल की एज थी मेरी और यहाँ पे हुनरशाला, जो राजकोट में इसको हुनरशाला बोलते हैं, जो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का काम सिखाती है, वहाँ पे मेरे पास एक एड्रेस था तो मैं यहाँ पे आ गया। और हुनरशाला में मैंने जो छिलाई का काम करती थी वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो बाद में मेरे को पता चला कि ये छिलाई का काम है, तो छिलाई का काम में मतलब इतना ग्रोथ नहीं हो सकता, मैं जो मतलब गोल्ड लेकर आया था वो ग्रोथ उसमें नहीं हो सकता। तो फिर मैंने एक हमारा रिलेटिव थे उनसे बात किया कि भाई मेरे को ये हुनरशाला में मैं बैठा हूँ और सीख रहा हूँ काम में, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को थोड़ा मतलब ज्वेलरी लाइन में जाना है, मेरे को ये सिलाई का काम नहीं करना है। ओके, तो बोले आपको अगर ये काम करना है तो आपने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन है, आप इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ मजदूरी कर सकते हो। सही। फिर मैंने इनसे सलाह ली और इन्होंने इनका एक चाचा थे मगन भाई ओझा, जो उनके यहाँ मेरे को गोल्ड के काम में बिठाया और मैंने वहाँ पे 4 साल तक गोल्ड का काम सीखा मैंने वहाँ पे। अच्छा। और बिना कोई मतलब जो सैलरी लिए बिना मैंने सिर्फ काम ही किया सिर्फ और सीखा, और उन्होंने भी खंत से मेरे को काम सिखाया। फिर मैंने स्टार्ट किया सिल्वर का काम स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम गोल्ड का काम कर सकें। ओके, तो मैंने सिल्वर से स्टार्ट किया। सर, आप दोनों लोगों का मिलना कब हुआ और कैसे हुआ, आप दोनों के बारे में जानना है, आपकी दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई? मिलने की बात आप सब कर रहे हैं तो वैसे बचपन से ही साथ में है। ओके, मतलब कब से स्टार्ट में है? मतलब बर्थ से ही। अच्छा। बेसिकली मैं नितिन भाई के बगल के गांव में रहने वाला। ओके, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। ओके, तो मैंने वहाँ 4 साल तक पढ़ाई किया। फिर ये जो चूड़ा है इसका वतन वो मेरा मामा का गांव है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया। ओके, वैसे तो नितिन भाई के घर और हमारे फैमिली का आना जाना तो बचपन से ही रहता। बराबर। फिर मैं स्कूल में दाखिल हुआ, नितिन भाई 2 साल मेरे से स्कूल में आ गए थे, मैं 2 साल पीछे था। ओके, फिर तब से दोस्ती हमारी स्टार्ट हुई। अच्छा। नितिन भाई 10 पूरा करके यहाँ राजकोट आ गए, जब वो 10 में था तब मैं 8वीं में था। okay. तब मैं स्कूल में लेट बैठा था। बराबर। फिर 91 में मैंने भी सोचा भाई मैं भी चल पढ़ूँ, 10वीं में फेल हो गया मैं। अच्छा। फिर मैंने बोला पढ़ाई नहीं करनी है। okay. मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी जाता हूँ, नितिन भाई गया तो मैं भी कुछ करता हूँ। सही है। फिर मैं भी 91 में राजकोट आया। okay. तो जहाँ नितिन भाई था वहीं पर मैं साथ में सीखा, जैसे 4 साल हमने काम किया। तो नितिन भाई ने चांदी का काम मेरे से पहले 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया। okay. मैं 2 साल लेट था। okay. तो मैं एक
खेडूत पुत्र हूँ, हम खेती करने वाले और मजदूर लोग थे, पूंजी तो थी नहीं मेरे पास। बाबूजी ने बताया कि अब चांदी का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बोला पैसा तो है नहीं, मैंने बोला कुछ भी करो आप, जो आपके पास हो मेरे को दो। तो मेरा मामा और मेरा फादर साथ में जॉइंट में रहते हैं, आज भी रहते हैं। अच्छा, बोला कुछ करते हैं, फिर सोच समझ के 5 किलो चांदी दिलाया स्टार्ट में, वहीं से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट में दोनों अलग थे, नितिन भाई का चांदी का काम अलग था, मेरा काम अलग। अच्छा, वहीं से स्टार्ट। जैसे सर आप दोनों लोगों ने बताया कि जर्नी जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो लेवल से। तो कहा जाता है कि संघर्ष जो है वो इंसान की जिंदगी में लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। और कोई भी चीज ऐसे ही बन नहीं जाती है। सही। तो थोड़ा डीपली ये जानना चाहूंगा, वन बाय वन आप उसका आंसर करना, कि क्या क्या लाइफ के अंदर आपके चैलेंजेस आए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आए, और उसको आपने ओवरकम करके यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इजी तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो क्या क्या चीजें आई सर? चीजें तो बहुत सारी आई यहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब हम तो पहले जब हमने स्टार्ट किया सिल्वर का काम, तो पहले तो हमने लेबर स्टार्ट किया था, जो यहाँ पे व्यापारी होते हैं वो लेबर पे काम देते हैं। जैसे हम आज के डेट में हम लेबर पे काम दे रहे हैं सबको। पहले हम लेबर थे, तो कोई मतलब गहना बनाना है, कोई एक पेंडेंट बनाना है, तो उसकी पेंडेंट की लेबर 10 रुपया है, तो हमें वो 10 रुपया जॉब वर्क, हाँ जॉब वर्क का काम हम करते थे पहले। वहाँ से हमारी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है जॉब वर्क से। बहुत सारी दिक्कतें आई, मतलब प्रॉब्लम है। कोई 2-3 इंसिडेंट आप अपनी जिंदगी के लाइव ऐसे बता सकते हैं कि जो बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे या बहुत टिपिकल रहे, जो अधिकतर लोग अपनी लाइफ के अंदर देखते नहीं है? अभी लोगों को लगता है कि ये आराम से हो गया, ऐसा कोई मोड़ या ऐसा कोई समय आया हो? जैसे नितिन भाई ने बताया कि स्टार्टिंग में जॉब वर्क किया, जॉब वर्क में सर कैसा है कि हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा जोखिम वाला है, तो ऐसे तो कोई सीधा दे नहीं देता ना काम। सही है, जान पहचान वाला होना चाहिए, मार्केट में नाम होना चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस पर जो हमारा तो कुछ नहीं था। सही है। फिर हमने धीरे धीरे करके काम स्टार्ट किया, काम मिलने लगा, फिर हमने खुद अपना काम स्टार्ट किया। और मार्केट में क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, हम तो एक छोटे मतलब कारीगर ही समझो ना, बिजनेसमैन तो बाद में हुआ। तो काम धीरे धीरे मिलने लगा, कभी बंद हो जाता था, कभी स्टार्ट हो जाता था, फिर हम नई नई आइटम लॉन्च करके मतलब देते थे तो चलता था, फिर कोई आइटम रुक जाती थी, फिर बिजनेस बंद हो जाता था, फिर कुछ नया सोचना पड़ता था, अब ये आइटम बंद होगी तो क्या करें, कुछ नया करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत जर्नी हमारी प्लस माइनस वाली हुई। मैं उसमें एक बात बताऊंगा। यस सर। कि हमने जॉब वर्क से हम कन्वर्ट हुए, हमारे मतलब खुद का इन्वेस्ट जब किया नहीं सिल्वर की बात करूँगा, पहले हमने मतलब हमने जब हम जॉब वर्क करते थे तो एक व्यापारी था, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे इसका, वो भी हमारा शुभेच्छक ही आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको गुरु मान के चलते हैं। सही है। तो वहाँ पे मैं और मनसुख भाई दोनों एक ही, ज़्यादातर हमने तो दोनों ने एक ही व्यापारी का काम किया है, हम दोनों यही सोचते थे कि हम जहाँ पे जाएंगे दोनों को काम मिल जाएगा। सही। और मतलब नहीं भी मिलता था तो आधा आधा हम कर लेते थे, आधा काम तू कर आधा काम कर लो, हम पहले से हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी। तो एक व्यापारी के पास हम बैठे हुए थे, तो उनका लड़का तब 10वीं पढ़ रहा था, तो वो आया यहाँ वहाँ पे, हम बैठे हुए थे, हम उनका जॉब वर्क कर रहे थे, बोला ये मेरा लड़का है, 10वीं क्लास अब उसकी ख़त्म हुई है, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करेगा, बाद में यहाँ दुकान पे आएगा, और आज आप मेरी जॉब वर्क कर रहे हो, फिर आपके लड़के होंगे ना वो मेरे लड़के की जॉब वर्क करेंगे। तब से हमने तय किया हुआ था कि ये जो व्यापारी है वो हमें मतलब आगे देख नहीं सकता हमें, वहीं से हमने सोच लिया कि अब से आज से इनका काम नहीं करना है हमें। ओके। आज भी हमारा इनके साथ रिश्ता है, आज भी हम इनको मतलब इनके साथ बैठते उठते हैं, लेकिन हमने तब से तय कर लिया कि इनके साथ अब हमें काम नहीं करना है। हमने उसी दिन फैसला लिया कि अब जॉब वर्क आज से बंद करेंगे हम। मतलब जॉब वर्क बंद करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारा रोजी रोटी उसमें चल रहा था। फिर हमने इन्वेस्टमेंट मतलब 5 किलो चांदी, मतलब तब की डेट में 5,000 रुपया केजी का चांदी था, तो 25,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करके हमने ये काम स्टार्ट किया।
लेकिन वो उनको हम गुरु मानते हैं। जिन्होंने हमें बताया कि आप भी हमारा जॉब वर्क करें, आपके लड़के भी हमारे लड़के की जॉब वर्क करेंगे। मतलब इंडस्ट्री में ऐसा बहुत है, कोई हमें ऊंचाई पे देखना नहीं चाहता है। सही। सब यही समझते कारीगर कारीगर रहे, व्यापारी कभी ऐसा नहीं सोचते कि कारीगर व्यापारी बन जाए। सही है। लेकिन मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि इनके से जो हम व्यापारी का जॉब वर्क करें, इनसे हम कई गुना आ गए आज। सही है, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। लेकिन सर मैं एक बात को, उसने जो भी कहा जैसे कहा, लेकिन हमारे लिए तो वो सही था, पॉजिटिव आपने लिया। हाँ, हमने पॉजिटिव लिया और हमारा सीधा टर्न हो गया, भाई आज ये स्टार्ट आज बंद कर दो, आज ही बंद कर दो, उसका जो ऑर्डर है लास्ट वाला वो भी नहीं करना, वो कैंसिल करवा दो, कल से ये काम हम नहीं करना। सही, मतलब काम तो स्टॉप ही हो गया ना, एक तरह से तो स्टॉप ही हो गया। अब सोचे अब क्या करना है, बोला अब खुद का करना है, जॉब वर्क करना ही नहीं। ये बात है। सही। सर जानना चाहेंगे कि नितमन गोल्ड, तो ये नितमन नाम जो है वो कहाँ से आया सर माइंड में? पहले तो क्या था, मेरी मेरे नाम से मेरी फर्म अलग थी। ओके। मेरी फर्म थी घाटलिया ज्वेलर्स। ओके। रजिस्टर फर्म थी, और मनसुख भाई की आभूषण आर्ट ज्वेलर्स, दोनों की अलग अलग फर्म थी। तो दोनों अलग अलग फर्म से हम काम कर रहे थे। वैसे तो हम जॉइंट वेंचर में है, उसको आज 33 साल हुए। okay. फिर भी हमारी फर्म दोनों चालू रखी थी हमने। okay. फिर हमने सोचा कि ये दोनों अलग अलग फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है। hmm. और हमारा फैमिली भी बड़ा है। hmm. तो इसको हम एक LLP कंपनी बना ले। okay. तो फिर हमने नितमन गोल्ड एक्सपोर्ट LLP करके फर्म बनाई। तो नितमन नाम कहाँ से आया वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमने सोचा कि पहले हमारा NM गोल्ड पहले हमने नाम रखा है। जब हमारा गोल्ड का काम स्टार्ट हुआ, हम एक्चुअल में सिल्वर में ही थे हम। हमारा काम सिल्वर में चल रहा था। बिपिन भाई विरडिया जो आज बहुत बड़े लेवल पे है, युग आपने सुना होगा। yes, definitely, sir. बहुत बड़े लेवल पे हमारे बचपन के दोस्त वो भी है। और हम जब सिल्वर का काम कर रहे थे तो हमारे पास आते थे वो, और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती थी, बचपन से दोस्ती थी। तो उन्होंने बोला आप सिल्वर में हो, सिल्वर का काम भी अच्छा है, लेकिन आप गोल्ड में कन्वर्ट हो जाओ। ओके। फिर हमने बोला कि भाई गोल्ड का हमारा तो कोई सीखा हुआ है काम हमने, लेकिन आज की डेट में वो जो हमने सीखा था और आज बहुत डिफरेंट है, चेंजेस हो गया। तो बोला कोई नहीं, तो मेरे पास रात को आ जा, मैं तेरे को डिजाइन लिख के बता देता हूँ और इतना सोना इन्वेस्ट कर दो। तब तो मेरे पास थोड़ी कैपेसिटी हो गई थी हमारे पास। तो हमने 500 ग्राम सोना लिया और हमने विपिन भाई के यहाँ कास्टिंग करवाया और रिंग पहली बार बनवाई हमने। तो उन्होंने फिर हमने सब गाइडेंस किया। जब हम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं थी हमारी। okay. हम सब बाहर जॉब वर्क करवाते थे, कास्टिंग करवाया, फाइलिंग करवाया, फिर उसमें रंग चढ़वाया, पॉलिश करवाया बाहर, फिर माल तैयार हो गया। फिर चैलेंज कि माल तो तैयार हो गया, 500 ग्राम सोना था, तो इसको क्या करेंगे, फिर बेचना कहाँ पे इसको, बेचना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट था नहीं कहाँ पे बेचना, किसी को जानते भी नहीं था। तो विपिन भाई ने बोला चल मेरा एक दोस्त है नाकोड़ा ऑर्नामेंट करके अहमदाबाद में, उनसे मैं बात करता हूँ। उन्होंने नीरव भाई से बात किया कि भाई मेरे दोस्त है, उसने काम स्टार्ट किया हुआ है, तो आप रिंग बनाइए। तो हम तीनों आते हैं, दूसरे दिन हम तीनों अहमदाबाद गए और इनको रिंग दिखाई। तो बोला भाई ये रिंग तो मेरे को इतने में आती है, जो हमारा पढ़ते से भी कम था। फिर भी हमने दोनों ने निश्चय कर लिया कि ठीक है, कोई बात, एक बार माल तो बिक रहा है हमारा, सेल हो रहा है, आधा टंच कम मिल रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमने वहाँ पे उनको एक आधा किलो माल इनको दे दिया। इसी तरह से NM गोल्ड हमारा स्टार्ट हुआ था वहाँ से, जो विपिन भाई ने स्टार्ट करवाया था। फिर NM गोल्ड हमारा जो कास्टिंग का काम था, जो भी मतलब जॉब वर्क बाहर होता था पहले। फिर विपिन भाई एक दिन आए तो बोले भाई तू ये बाहर से जब काम करेगा तो तेरी तरक्की नहीं होगी इसमें काम में, अगर तेरे को तरक्की करनी तो तेरे को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। पहले हम दोनों ही इस काम को देखते थे, बाहर ही सब जॉब वर्क होता था, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं था, तो इसके लिए तेरे को फैक्ट्री पूरा सेटअप बिठाना पड़ेगा। मतलब मेरे को तो कुछ जानकारी नहीं है, कारीगर कहाँ से मिलेगा और इस फैक्ट्री में क्या चाहिए, कौन सी मशीनरी चाहिए। सही है। तो बोला मैं तो हूँ, मैं सब तेरे को सेटिंग करवा दूंगा। तो उन्होंने मतलब ये हमारे पास जगह थी, ये जो बैठे हुए ये जगह थी हमारे पास, तो यहाँ पे जो भी मशीनें थी, हमें मशीन का कोई ज्ञान नहीं था, जो भी मशीनें लगती थी वो मशीन उन्होंने सब दिलवा दी। ओके।
और हमने हमारा खुद का यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर भी हमारा काम वहीं पे चल रहा था, उनके पास ही चल रहा था। उनकी दिलेरी है विपिन भाई की, उन्होंने बोला कि अब तेरा काम मेरे पास चल रहा है तो मेरे डिजाइन तो सब लोग बेचते हैं तो तू लेकर जाएगा तो पता चल जाएगा ये डिजाइन तो विपिन भाई की डिजाइन है। अगर तेरा कुछ अलग करना है तो ही तेरा मतलब एक नाम बना, नाम बनेगा, तेरी ब्रांड बनेगी, डिजाइन बनाएगी, तेरी अलग से कुछ पहचान बनेगी तब जाके। ये तो मेरी पहचान से सब माल बन रहा है पूरी मार्केट में, 5000 कारीगर मेरा कास्टिंग करवा रहे, तू भी ऐसे ही करवा रहा है तो तेरे इस तेरे को इसलिए इसको अलग से कुछ मतलब इन हाउस डिजाइनिंग कास्टिंग सब तेरे को इन हाउस करना पड़ेगा। फिर बोला उसका भी मेरे को नॉलेज नहीं है तो उन्होंने कास्टिंग की मशीन दिलवा दी। फिर बोला अब डिजाइनर चाहिए तो डिजाइनर भी उन्होंने दिया मेरे को। उस तरह से NM गोल्ड स्टार्ट हुआ था। NM गोल्ड फर्म थी वो अनरजिस्टर्ड फर्म थी तो हमने रजिस्टर के लिए उसको अप्लाई किया तो रजिस्टर नहीं हो पाई। हाँ तो NM गोल्ड किसी की रजिस्टर्ड फर्म थी। फिर हमने सोचा कि हम कुछ इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमारे बच्चों ने और हमारे CA जिग्नेश भाई उन्होंने बताया, मैंने एक नाम लिख के दिया, सिर्फ बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे तो मैंने एक नाम लिख के दिया नित्यमन, तो सबको अच्छा लगा कि चलो इसमें दोनों का नाम भी आ जाता है, इसलिए क्रिएटिविटी आ गई इस और वो फर्म रजिस्टर हो गई तो आज नित्यमन गोल्ड एक्सोड LLP करके वो हमारी फर्म है। सर नित्यमन गोल्ड LLP जो फर्म है अपनी, उस फर्म के अंदर हम क्या क्या चीज़ें अभी कर रहे हैं दर्शकों को हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों के अंदर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो क्या है, हमारे सब कास्टिंग ज्वेलरी बनाते हैं, डायमंड ज्वेलरी। ओके। उसमें बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे रिंग है, बूटी है, रिंग है, बूटी है, नेकलेस है, नेकलेस है, ब्रेसलेट है, ओके, पेंडेंट सेट है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है इसमें। और रोज नया नया क्रिएशन हम लेके आते हैं, जैसे अभी एग्जीबिशन था हमारा बम्बई में, उसमें हमने एक ब्रांड लॉन्च किया रोज गोल्ड का, आयरा का खुद का एक ब्रांड हमने अभी लॉन्च किया, एक्स्ट्रा अलग से, उसमें सिर्फ रोज गोल्ड ही बनता है। सर एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूंगा कि नित्यमन गोल्ड LLP आपने प्लानिंग किया है पूरे परिवार को लेकर, तो ये थोड़ा बताइए कि आपके परिवार से कितने लोग आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और कितना बड़ा हमारा परिवार है। हमारा दोनों का परिवार मिला के टोटल मेंबर 49 मेंबर्स है दोनों का फैमिली। फिर हम इस लाइन में अभी नित्यमन गोल्ड एक्सपोर्ट LLP में घर के हम 12 लोग हैं, और मंसू भाई की इनके दो ब्रदर है, इनके भाई के लड़के भी है, मेरे भी दो ब्रदर है और मेरे भाई के लड़का, मेरा लड़का सब संभाल रहे हैं। अभी नित्यमन गोल्ड एक्सपोर्ट LLP जो गोल्ड का काम संभाल रहे हैं वो मंसू भाई का लड़का ब्रिजेश है और मेरा लड़का जय, वो दोनों संभालते हैं। और दूसरा हमने अभी एक नई मतलब फैक्ट्री बनाई है, 925 ज्वेलरी बना के, मेरा छोटा भाई का लड़का है सिल्वर के अंदर, सिल्वर के अंदर ब्रांड आपने प्लान किया। हाँ, उसमें बैंकॉक जो ज्वेलरी आती है ना उस टाइम की सब रोडियम ज्वेलरी है, तो वहाँ दो लड़के वहाँ बैठते हैं। तीसरा यूनिट है वहाँ मेरे दो छोटे भाई नटू भाई और सुरेश भाई बैठते हैं। एक तीसरा यूनिट है वहाँ पे नितिन भाई के दो भाई अल्पेश भाई अभी भी बैठते हैं। तो सर एक परिवार को मैनेज करना और एक बिजनेस को मैनेज करना और परिवार के अंदर सारे लोगों को एक साथ संभालना और यहाँ पर सारे लोगों को संभालना, कहा जाता है कि सगे भाई जो होते हैं वो कुछ टाइम के बाद अपने हिसाब से डिवाइड होते हैं कुछ मतभेद होने के कारण, तो आप तो ब्लड रिलेशन न होने के कारण एक साथ आप ज्वाइंट हो तो आप अपने परिवार को कैसे मैनेज कर रहे हो अभी, मतलब पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, तो यहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस आती है और उसको सबको कैसे एक साथ इकट्ठा रखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए चैलेंज रहता है कि पूरे परिवार को काम पर लगाना। लेकिन सर इसमें क्या हमें कोई चैलेंज ऐसा लगा नहीं। ओके। इसलिए नहीं लगा कि हमारा फैमिली में जो भी हम बात करें इकट्ठा होकर चर्चा करें भाई ये काम करना है तो सब फैमिली भी सपोर्ट करती है। ओके। और कंपनी की जो हैंडल करने की बात है उसमें हमारे ब्रदर्स जो है दोनों के बेटे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई चीज़ हम बोले कि भाई ये करना है तो बोले आप टेंशन मत लो हो जाएगा, मतलब फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, ब्रदर का भी है, बेटों का भी है, एक संगठन है हमारा सबका साथ सबका विकास जैसा काम है
और बढ़िया सर, सब पॉजिटिव है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हो तो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बोले बस करना है तो करना हो जाएगा। कहा जाता है कि गुजराती परिवार मतलब बड़ा परिवार, और गुजराती परिवार के अंदर रहने वाले लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम के अंदर इंडिया में अगर देखने जाए, गोल्ड लाइन के अंदर देखने जाए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है, और राजकोट को तो हब कहा जाता है। बिल्कुल। तो इतने सारे लोगों के बीच में आपने एक कंपनी को जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक, एक्सपोर्ट करने के लेवल तक अगर आपने पहुंचा है, तो आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है सर, यूनिक सेलिंग पॉइंट, उसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। एक तो हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, पूरा सेटिस्फेक्शन में क्या, क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करके रखा हुआ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हम करते नहीं है। ओके। क्यूसी पूरी तरह से होके माल जाता है। ओके। डिजाइनिंग है, फिर इनको टाइम पे माल देना, सही हमारे है। सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम पे माल देना। क्यों वो चैलेंज क्यों है, क्योंकि हमारा काम मेटल से होता है, गोल्ड से होता है, मतलब गोल्ड मैनेज करना आज के डेट में बहुत टफ काम है, सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंजेस वो है। चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, सबको ही एक दिक्कत है कि गोल्ड मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आना जाना, यहाँ पे स्टॉक रहना, फिर वर्क में काम रहना, गोल्ड की शॉर्ट रहती है, तो टाइम पे काम देना सबसे बड़ी हमारी, मतलब हम यही सोचते कि टाइम पे हम काम देते हैं और फिनिशिंग अच्छा देते हैं, डिजाइनिंग डेवलपिंग रोज रोज नई नई होती है, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और सर एक हमारा प्लस पॉइंट ये है, यस, कि नई नई डिजाइन तो हम पर डे देते ही हैं, और एक प्लस पॉइंट माने तो ये है कि हमारा लाइट वेट है बहुत। ओके। जिसे मार्केट वाले सब हमारे व्यापारी है ना, वो बोलते पेपर कास्टिंग, मतलब जो गांव में 6 ग्राम में रिंग बनती है ना, वो रिंग हम 4.5 ग्राम में बना के दे देते हैं, ये प्लस पॉइंट है हमारा। कम कॉस्टिंग के अंदर अच्छी चीज़ है, और फैलावट वाली और सुंदर और बढ़िया। ओके। दिखने में भी लोगों को बढ़िया लगे। ग्रेट सर। सर अब अभी तक की जर्नी की बात हुई, अब अपने थोड़े एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। यस। सर आने वाले 5 साल या 10 साल का हमारा विजन या हमारा गोल क्या है, हमने क्या सोचा हुआ है अपनी कंपनी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हमारा मतलब 4-5 यूनिट है। ओके। सब अलग अलग जगह पे है सब। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सब यूनिट लेके आए। ओके। आज की डेट में हमारा टर्नओवर जो है वो करीबन 70-80 करोड़ या 100 करोड़ तक का है। ओके। तो उसको हम आने वाले 5 साल में 600 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और वर्कर की कैपेसिटी और काम की कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में हम एक लैंड लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक ही छत पे सब यूनिट आ जाए, ऐसा हमारा प्लानिंग है फ्यूचर। और जो ब्रांड बनाई है हमने उसको पूरे इंडिया में लेके फैलाना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस सर। और मेरा कई दिन से एक सपना है, जैसे जब से आपसे जुड़ा हूँ तब, कि भाई यहाँ तो 3 मंजिला है, जगह भी नितिन भाई ने बताया कि 4-5 जगह फैला हुआ, तो मेरा एक सपना ये रहा है कि एक बड़ी फैक्ट्री हो, 500 वर्कर हो, इंडिया में तो माल जा ही रहा है, लेकिन सपना भी है कि एक्सपोर्ट भी आगे बढ़े, एक कंट्री में, 2 में, 3 में, तो ज़्यादा फैले, मतलब पूरे वर्ल्ड में जाए हमारा माल, ये मेरा एक सपना रहा। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और विजन के ऊपर सर आपको पूछना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ ऑर्गेनाइज होती है, कुछ अनऑर्गेनाइज होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें ना, विजन क्यों बनाएं, तो क्या आपको लगता है सर विजन बनाना जरूरी है, फ्यूचर का प्लान करना जरूरी है, क्यों सर? सर इसमें ऐसा है कि हर एक आदमी का, जैसे मैंने बनाया, मेरा एक सपना है बताया आपको कि सपना है, तो कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं चाहता कि जहां बैठा हूं वहीं पे बैठा रहूं। सही है ना, कोई ना कोई तो ग्रोथ होना ही चाहिए। सही है। और आगे तो बढ़ना ही चाहिए, रुकना बेकार है मेरे हिसाब से। सही है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा ग्रोथ भी होना चाहिए और बिजनेस भी बड़ा होना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी भी कुछ सोचे कि नहीं भाई हमारे लिए कुछ करके गए लोग। सही। मतलब एक विजन जब होता है तो सब लोग कुछ बड़ा करने का प्लानिंग लेकर चलते हैं, और बड़ा करने का जब प्लानिंग होता है तो हम अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर कुछ करते हैं। सही।
नहीं तो हर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरी एक बाउंड्री है उसी के अंदर मैं करूँ। ग्रेट सर। और आज की डेट में गोल्ड इंडस्ट्री में चैलेंजेस बहुत है गवर्नमेंट की ओर से, मतलब नई नई कानून बहुत आती है, तो अभी HUID करके आया था, फिर GST लागू हो गया है, आज कल से ऐसा हुआ कि अब ई बिल स्टार्ट हो तो हम कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट है वो मतलब धंधा हमारा स्टॉप करवाना चाहती है, लेकिन हम उसको ऐसा मान के चलते हैं कि ये बहुत अच्छा कानून लेके आ रही है और इसको हम फॉलो करना है। हमने आज हमारे जो दो लड़के हैं इनको मतलब सारे लड़कों को हमने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट का जो भी रूल आएगा उसको फॉलो करना है और उसी पे ध्यान देके हमारे फैक्ट्री को आगे लेके जाना है। बहुत बढ़िया, कायदा और कानून में लेके ही काम करना है, मतलब ज़्यादातर काम गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए। कहते हैं ना सर कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। अब आगे बात करते हैं सर कि आज के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों का सोचना ऐसा है कि ऑनलाइन बिजनेस होने जा रहा है, अब बहुत सारे बिजनेस के अंदर ऑनलाइन को लेकर चैलेंजेस आ रही है, तो क्या हमारी इंडस्ट्री के अंदर या हमें पर्टिकुलर कोई ऐसी चैलेंजेस हो रही है ऑनलाइन के सामने? ऑनलाइन तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, बाकी डिजिटल हो गया पूरा, हमारा डिजिटल है। ओके, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ग्रेट सर। जो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर हो, महंगे से महंगा सॉफ्टवेयर हो, मतलब जो हमारी पूरी उसमें डिटेल आ जाए ऐसा सॉफ्टवेयर, डिटेलिंग वाला सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। बाकी ऑनलाइन बिजनेस अभी हमने मतलब जो ज्वेलरी ऑनलाइन बेचते हैं वो हमने स्टार्ट नहीं किया, कई कंपनियां कर रही है। ओके, हमारा भी विचार है आगे जाने का, वही मतलब आगे का फ्यूचर है। फ्यूचर है। पहले बैंक पे जाना पड़ता था, अब डिजिटलाइजेशन हो गया तो यहाँ से बैंक मोबाइल से हो जाता है, और पहले पैसा लेने देने सब बैंक जाना पड़ता था, सारे खुद को करने होते हैं। वो तो काम ही बंद है। पैसा आना जाना, अंगड़िये में मेटल आना जाना, हमारे अंगड़िये बोलते हैं जो कुरियर वाले तो आज वो लगभग सब खत्म हो गया, मतलब सारा नंबर एक में काम हो रहा है, इंडस्ट्री के बहुत अच्छे संकेत है। दूसरी एक बात ये करनी थी सर कि जब हम खुद काम कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ती है लोग अपने साथ आते हैं, तो जब आपकी टीम बढ़ी और लोग आपके साथ कनेक्टेड हुए तो सिस्टम और मैनेजमेंट को लेकर पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस आते थे जब हम मिले उससे पहले? हाँ, जब आप मिले ना इससे पहले सारा मैनेज मैं और नितिन भाई करता था, तब बच्चे भी स्टार्टिंग हुई थी वो आए हुए थे, तो जैसे बैंक का काम खुद करना, कंप्यूटर खुद को चलाना, पार्सल खुद को करना, QC भी खुद को करना, सारा काम मतलब हम दोनों ही ज़्यादातर कर ले रहे थे। फिर आपसे जुड़े, आपने थोड़ा विस्तारवाद बताया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें ग्रोथ नहीं होगा तो आप ऐसे करो ऐसे करो, तो जो आपकी पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी के हिसाब से हमने एक तो स्टाफ बढ़ा दिया ऑफिस का, HR रखा वो सारा मैनेज कर लेता है, और बैंक का डिवीज़न है वो एक अलग है, पार्सल का डिवीज़न अलग है, बिल का डिवीज़न अलग है, मतलब सब डिवाइड हो गया। ओके, तो आज की तारीख में हुआ ऐसा कि मैं और नितिन भाई थोड़ा रिलैक्स हो गए। ओके, जब आपकी पॉलिसी यूज़ की है ना तब से। तो ऐसी कौन सी सिस्टम अभी आज हमने कंपनी के अंदर बनाई हुई है जिसके बेस पर आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े फ्री हो गए? सिस्टम के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, जितनी भी सिस्टम आपके माइंड में अभी बनी हुई है कंपनी के अंदर जो होनी चाहिए आपके हिसाब से। हमने तो मैनेजर के रिक्रूटमेंट किया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर है हमारे यहाँ, फिर HR है, CA है, अकाउंटेंट देखते हैं सब, मतलब एक स्ट्रक्चर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। ग्रेट। तो हम जो काम पहले हम सब वही काम हम करते थे, आज हमारे मतलब ये सब जो रिक्रूटमेंट किया वो सब कर रहे हैं, तो हम थोड़ा फ्री होके R&D कर रहे हैं, इसमें क्या नया लाया जाए, डिजाइनिंग वगैरह सब देखते हैं, बाहर मतलब मार्केट में जाना, मार्केट में क्या क्या नया आया है सब लेके आना मार्केट से नया, वो सब आज देखते हैं। तो वही चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन भी मेरा है कि सिस्टम के आने से क्या फ़ायदे हमें हुए और आज हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है उसका? फायदे की बात करिए ना सर, तो एक तो प्रोडक्शन हमारा बहुत बढ़ गया। ओके, तो काम की जो क्वालिटी है
मैनेजमेंट है वो पावरफुल हो गया। तो जब ऑफिस से आते तो पॉजिटिव ही रहते, पहला काम का बोझ इतना रहता था, टेंशन कि ये करना है वो करना है, वहाँ पे जाना है, बैंक पे जाना है, आंगड़िया से मेटल लाना है, पैसा लाना है। तो अब ये झंझट सब खत्म हो गया, हमने पार्सल लगा दिया, आरटीएस आया तो बैंक में आ गया, हमने बुलियन लखवाया तो बुलियन वाला दे के गया, आरटीएस उनको दे दिया, तो बहुत सारा काम हल्का हो गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो आज बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है, तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग एक नंबर दो नंबर वाले हैं। हाँ। और अभी भी लोगों का माइंडसेट, कुछ लोगों का चेंज नहीं हुआ, और कुछ लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज है, जो ऐसा सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज हमें नहीं होना है, नहीं तो हमें दिक्कत हो। तो हमारे जो ऑडियंस है उनको आपको थोड़ा बताना है कि ऑर्गेनाइज होना कितना फायदेकारक है और एक नंबर में काम करने से कितना ज्यादा फायदा होता है। सर इसमें ऐसा है, आप अगर एक नंबर में काम करोगे ना तो एक तो ग्रोथ होने वाली है, वो पक्की बात है। फिर रिस्क कम हो जाएगा, बिल्कुल सेफ हो जाओगे आप, सारे आंकड़े मिल जाएंगे। हाँ, सारे आंकड़े मिल जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, और बहुत सारा मैनेजमेंट है ना वो आपका हल्का हो जाएगा एकदम। और गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे पहले हमने बताया कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम काम करते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता, ना इनकम टैक्स वाले का, ना और जीएसटी वाले का, ना और कोई, मतलब टेंशन फ्री, आया गया बस, मस्त मस्त। सही, सही। चैन की नींद सोते हैं बस बस। और आने वाली पीढ़ी के लिए नंबर एक का काम ही अच्छा है, हम तो सबको यही कहेंगे कि भाई आप भी नंबर एक से काम करना बेटर है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब नंबर एक का काम ही सही रहेगा, दो नंबर का काम। हम चैन की नींद सो रहे हैं तो उनको भी चैन की नींद सोने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये जानना चाहेंगे कि 21वीं सदी जो अभी चल रही है तो इसमें है ना फास्ट चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है बदलाव जो है वो पहले टाइम में कुछ टाइम रुक कर होता था, और अभी बदलाव जो है वो पर डे हो रहा है, तो नए नए चेंजेस या नई नई चीजें क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर आ रही है जो आपको दिख रही है, जो अपकमिंग टाइम में आने वाली है, उसके ऊपर कुछ जानना चाहेंगे। ज्यादातर प्रोडक्शन पहले सर कैसा था, तो मैनुअल होता था, खुद से हाथ से, हाथ से मैनुअल होता था। अब सारे काम के लिए मशीनरी आ गई, चाहे इटली से मंगवाओ, जर्मन से मंगवाओ, फ्रांस से मंगवाओ, मतलब रोज नई नई मशीनें आती है, और हम रोज रोज नया नया कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं कि भाई इसकी मशीन आई है तो हमें लेनी है, उसकी आई तो हमें लेनी है। एक सिंपल का आपको एक मैं एग्जाम्पल दू, हमारा पहले रिफाइनरी खुद का नहीं था। तो उसमें क्या है, हमारा जो डस्ट बस्ट होता है वो कलेक्शन के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो हम अभी 3-4 आदमी रखे हुए तो पूरे दिन वही काम कर रहे हैं। तो पहला हमारा रिकवरी जो गोल्ड लॉस का आता था ना वो 88% था मतलब, लेकिन अब खुद का करने के बाद हमारा हो गया 98-97। तो बेनिफिट तो है, जो नई नई टेक्निक आप यूज करेंगे तो फायदा ही। आने वाले 5 साल में नितमन गोड़ LLP के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी आप अपडेट करने जा रहे हैं या आने वाले टाइम में आप लेकर आने वाले हैं? सर पर डे होती है, पर डे करनी ही पड़ती है वरना पीछे रह जाते हैं। या तो आप अपडेट होते हो या तो गेम से आप आउटडेट हो जाते हैं, तो अपडेट होना बहुत मतलब पर डे होना चाहिए। मान लो कि आज कोई मशीन आई है नहीं, तो एग्जीबिशन तो लगते रहते, तो हमें पता चलता है हाँ भाई ये कुछ नया आया है, तो ये हम सोचते हैं कि भाई क्या करना। एक अच्छा वाला सवाल आया है माइंड में, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे सोचते हैं कि सिस्टम मैनेजमेंट आ जाएगी अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो, फ्री होकर मैं करूंगा क्या? क्योंकि कई लोगों को ये टेंशन होता है कि घर से सुबह निकलना है और शाम को टाइम पर आ जाना है, तो पूरे दिन के अंदर एक्टिविटीज होगी क्या? तो आपने एक R&D का शब्द सर यूज किया, तो कुछ लोगों को R&D चीज ही नहीं समझ में आ रही है, तो थोड़ा खुलकर आप बताएंगे कि जब से आप फ्री हुए हो तो उससे आपने क्या क्या चीजें करनी स्टार्ट की है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? R&D मतलब नया नया सोचना और नई नई चीजों को डेवलप करना। तो आज हम फ्री हुए, हम फ्री नहीं है, फ्री नहीं हुए मतलब फ्री हुए ही नहीं है। जो हमारे पास जो काम था वो हमने कन्वर्ट कर दिया
सिस्टम को दे दिया हमने काम, और हम आज मतलब मार्केट में जाते हैं, व्यापारियों से बात होती है हमारी, क्या नया मार्केट में आया है, कौन सा रोज अपडेट होना पड़ता है, मनसुख भाई ने बताया रोज अपडेट, रोज नई ज्वेलरी आती है, नई डिजाइनिंग आती है, तो मतलब वो सब हम काम देखते हैं अभी, मतलब रूटीन के काम से सर लोग फ्री हुए हैं, अभी डेवलपमेंट में काम में सर लगे हुए हैं। सर ऐसा बताए तो फ्री तो हुए ही नहीं है, मतलब माइंड से फ्री नहीं हुआ है, माइंड से फ्री हम क्या है, सुबह आते फिर सारा देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अब नया क्या करें आज, सही है, हमारी मार्केट में नया क्या आया है, तो रोज सोचना, रोज नया लाना, मतलब जो आपने बताया कि कोई कोई लोग ऐसा बता रहा है कि फ्री हो गया, करने की लायक बहुत सारी चीज़ें, ऐसा फ्री होने का कोई चांसेस ही नहीं है, माइंड से सोचो ना कि अब क्या नया करें, डेवलप करो ना कि ये हो गया, अब मेरे को यहाँ से नहीं वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, तो फ्री होने की कोई बात नहीं है। फिर लगातार हम बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को मिलते हैं, तो एक चीज़ ये भी आती है, कई लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, तो आप सर बताइए कि ट्रेनिंग जब से आपने लेनी स्टार्ट की, उससे आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपने क्या क्या चेंजेस ले, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, आज हम आपका जो भी सिस्टम है, ज्यादातर सिस्टम ने बिठा दिया हुआ है, पूरा नहीं फॉलो कर पाए लेकिन ज्यादातर बिठा दिया है, मतलब पैसा वसूल है। थैंक यू सर, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक टू डू लिस्ट तो रोज करते हैं, बहुत बढ़िया सर, और मॉर्निंग में हमारी प्रार्थना जो होती है, प्रेयर होती है, प्रेयर से हम काम स्टार्ट करते हैं, तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो जाता है फैक्ट्री का, और सारे वर्कर को भी पॉजिटिविटी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, फिर टू डू लिस्ट तैयार करना, और टू डू लिस्ट रात को देखना और दोपहर को देखना, कितना काम हुआ, क्या काम हुआ, मतलब वो सिस्टम ने बिठा दिया। फिर आपने जो एक सिस्टम दिया था हमें कि आपको रोज मीटिंग करना, तो पहले हमारी रोज मीटिंग होती थी, देखिए हमारा यहाँ पे मतलब थोड़ा काम बढ़ गया, तो यहाँ से हमारा सिल्वर का डिपार्टमेंट अलग जगह पे डाइवर्ट किया हुआ हमने, तो अब रोज मीटिंग नहीं होती, लेकिन डेली शनिवार सैटरडे नाइट को हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है, रात को एक भी बज जाता है, क्या किसने कितना काम किया, क्या किया, उससे क्या हुआ कि आपने अभी बोला था कि परिवार होता है बिजनेस में, फैमिली मेंबर होते हैं, उनको कुछ कहना, कुछ उनको गलत लगता है, ऐसा होता है कई जगह, हमारे यहाँ पे हुआ है, ईगो हर्ट होता था पहले, तो मतलब अब खुल के हम बात करते हैं मीटिंग में, सब भाई इतना काम किया हुआ है, इतना ये हुआ है, यहाँ पे हमारा काम रुक रहा है, तो रुकेंगे तो हम दोनों बैठे हुए सबको बोलते हैं, भाई जहाँ पे रुके आप स्टॉप हो जाए वहाँ से हमें बोलना है, मतलब अब खुल के बात होती है, मतलब उससे भी बहुत बेनिफिट मिला है हमें कि हम फैमिली वाले भी साथ बैठ के अब डिस्कस कर सकते हैं। एक तो सबका डेटा आ जाता है वीक का, पूरे हफ्ते क्या हुआ, हाँ पूरे हफ्ते क्या हुआ, मंडे से लेके सैटरडे तक सबने क्या किया, और उसमें कोई अगर रुक जाता है तो फ्रेंकली बताता है कि भाई मैंने ये किया था लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आया है, तो इसमें आगे क्या करना है, तो हम सब मिल के इस पर डिस्कस करके उसका हल निकाल सॉल्यूशन निकालते हैं। पर्सनल आपकी लाइफ के अंदर ट्रेनिंग लेने से क्या क्या चेंजेस आए? पर्सनल लाइफ में तो मतलब पहले हम फैमिली में टाइम कम दे पाते थे, क्योंकि हमारा सोशल एक्टिविटी भी है, तो सोशल एक्टिविटीज और बिजनेस सब संभालना, तो फैमिली में हम टाइम कम दे पाते थे, अब फैमिली में भी हम पूरा टाइम दे पाते हैं, मतलब थोड़ा बदलाव आया है, फैमिली भी खुश है, हैप्पी हैप्पी है, भाई ये सब कैसे हुआ, मैं तो ज़्यादातर संडे आधे दिन तो घर पे रहता हूँ, मतलब संडे आधा दिन घर पे रह हूँ, नितिन भाई का वो ऑर्गन डोनेशन का कोई कोई मीटिंग संडे को होता है तो उसको सुबह जाना पड़ता है, और नितिन भाई सब साइड संभालते हैं तो वो भी वहाँ संडे के हिसाब से सुबह जाते हैं, तो मैं संडे थोड़ा रिलैक्स होकर दोपहर के बाद सब काम करता हूँ।
आपका और गुरुकुल का सर सफर कैसा रहा, थोड़ा अपने जर्नी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, जो आपको फील हुआ या जो जो चीजें हमने साथ में मिलकर की उस चीज को लेकर। सर मैं इसमें ऐसा है, एक तो आपने बहुत हेल्प किया हमें, आपकी पूरी टीम ने हेल्प किया, विशाल सर ने हेल्प किया, जब जब जरूरत होती है हम आपको कॉल करते थे, बुलाते थे, आप आ जाते थे, फुल सपोर्ट करते थे, कहीं कहीं हम रुक जाते थे तो कभी कभी हम साथ मिलके विशाल सर को भी फ़ोन करते थे कि भाई इसका ऐसे क्या है, फिर स्पेशली दो बार विशाल सर और आप भी आए थे कि भाई इसका ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो, मतलब आपका बहुत हेल्प रहा और हमें फायदा भी हुआ। अब थोड़ी आगे डिस्कशन अपने ये करेंगे कि सर क्या ट्रेनिंग लेना और कंसल्टिंग लेना, क्योंकि हमारी यूएसपी हमने कहीं ना कहीं क्रिएट की हुई कंसल्टिंग, जहां पर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करवाते हैं, तो वो लेना बाकी लोगों के लिए क्यों जरूरी है, उसके ऊपर अगर कुछ आप बताना चाहें, क्या उनसे उनका खर्चा होने वाला है 1-2 लाख रुपए का, 3 लाख का, 5 लाख का, या उसका उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है, फायदा होने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक मिथ होते हैं कि मैं अब तो खर्चा नहीं करता, ये सब खर्चे का। राइट। तो सर इसमें ऐसा है, मान लो कि हमने खर्चा किया 4 लाख किया, 5 लाख, 100 जो भी किया, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन एक कहीं कहीं पॉइंट ऐसा भी मिलता है जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आपका एक क्या है प्लानिंग बेस होता है पर डे पर, वो मतलब पेज टू पेज होता है, पहले ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तो जो पूरा सेटअप है वो बहुत बढ़िया है और इससे फायदा भी होता है और काम आसान भी हो जाता है, ये बात है, मतलब अच्छा है, बहुत करना जरूरी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सही सही, यस सर, आपके हिसाब से। और अब जब से हम गुरुकुल से जुड़े, खर्चे की बात किया हमने, तो देखो मूवी देखने जाते तो भी खर्चा होता है। सही है, एंटरटेनमेंट का। अगर हम कोई बिजनेस रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम सीए के पास जाते हैं या वकील के पास जाते हैं, उनको भी फीस देनी पड़ती है। तो मतलब आप जो हमें बिजनेस कैसे करना है, सिस्टम कैसे बिठाना, वो सब सिखाते हैं, उसको फीस तो देनी पड़ेगी और इस फीस का रिवॉर्ड मिलता ही है। सही है। आज आप देख रहे हैं हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है। सही है सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज ये जानना चाहेंगे जो लोगों को जानना जरूरी है कि आपके लाइफ का सक्सेस का, क्योंकि अभी भी आपका जर्नी कंटिन्यू है और आपके माइंड में अभी भी वो चीज नहीं है, क्योंकि अभी भी आपका हार्ड वर्क चालू है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप एक कामयाबी की नजर में है, सक्सेस की तरफ है, तो आपकी सक्सेस का राज क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। सक्सेस का राज तो हमारा मेन तो टीम वर्क है, यूनिटी है हमारी। पहले हमारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट था, अब आप जब से आए तब हम इनको टीम बोलते हैं, आपने बोला कि ग्रुप नहीं बोलना है, पहले ऐसा टीम बनाना है, टीम बनाना है, तो टीम बन गई है, तो टीम से हमारा ग्रो हुआ है और आज की डेट में सब अंडरस्टैंडिंग है सबके पास और अच्छी तरह से सब, मतलब हमारा बोल जो मैं और मनसूबा जो बोलते हैं वो सब वो लोग बोलते हैं, काम तो इनको ही करना है, हमें काम नहीं करना है, तो हमारा बोल झिलते हैं और उससे हम टीम से सक्सेस है। आपके निगाह से सर सक्सेस या कामयाबी का राज आपका क्या है, यहाँ तक पहुँचे आप कैसे, मतलब दोहराइए फिर से। आपकी खुद की कामयाबी जो अभी तक आपने हासिल की 0 से लेके यहाँ तक, तो उसके राज क्या है, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब राज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने स्टार्टिंग से हार्ड वर्क किया है और हमारे जैसे पहले हम दो थे, फिर ब्रदर सब आए, फिर हमारे नई जनरेशन आई, उसका भी सपोर्ट मिला, मतलब सब एक होके काम करते हैं ना, जब एक उंगली ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो तो फर्क तो पड़ेगा ना सर, ये तो एक यूनिटी है, फर्क पड़ता है, टीम वर्क है हमारा, तो टीम भी हमारी बहुत मजबूत है, अगर किसी को आप बोल दो कि भाई ये काम करना है तो बोला आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, ये है राज इसका। और इंटरव्यू को वाइंडअप के मोड में लेकर जाकर एक लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगा कि जितने भी बिजनेसमैन आज इंटरव्यू को देखने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो उन लोगों के लिए आपके हिसाब से क्या सलाह सूचना आप देना चाहोगे जिन्होंने अपना सफर आज 0 से स्टार्ट किया है और उनका भी सपना है कि वो भी एक लेवल तक पहुंचे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सबकी शुरुआत तो 0 से ही होती है। सही है,
लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। सही है। और जैसे जैसे मार्केट में आप अपडेट रहते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका ग्रो बढ़ता जाएगा, अपडेट रहना चाहिए बस। okay. जैसे HMT घड़ियाल आपने देखी है तो आज निकल गया, नाम नहीं है कहीं पे, समय के साथ चला नहीं, अपडेट नहीं था। सही। जैसे नोकिया फोन बहुत चला था तो वो अपडेट नहीं रहे। सही। तो अपडेट रहना चाहिए मार्केट में, अपडेट रहेंगे तो ग्रोथ तो होना ही। और सर मेरा पर्सनली कहना दर्शकों को यही है कि कोई आप बड़ी फैक्ट्री लेके बैठे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो गुरुकुल का आप थोड़ा सपोर्ट लीजिए, बहुत अच्छा काम है, बहुत आपको मार्गदर्शन मिलने वाली है। और जहाँ जहाँ भी आप रुकते हैं तो आप सर को बोलिए, वो आपको रास्ता दिखाएगा। मतलब सर की कंसल्टेंसी अगर करोगे तो बेनिफिट बहुत है, हमें भी बहुत बेनिफिट मिला है और करना जरूरी है। मेरी एक अंगत राय है, आप भी सर से मिलिए, उसका सलाह लीजिए, कंसल्टेंसी करवाइए क्या। सो थैंक यू सो मच कि इसी तरीके से आज हम सर लोगों को मिले हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मिलेंगे। तो स्पेशली थैंक यू मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोगों ने आज आपका बिजी शेड्यूल में से कीमती टाइम आपने निकाला है और हमने आपको सिखाया था कि सर टाइम ऑलवेज होना चाहिए बिजनेसमैन के पास, और आज आपने वो टाइम निकाल कर हमारे साथ आज बैठा। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी हमारी ये हेल्दी डिस्कशन रही है और यही डिस्कशन के अंदर जो विजन आपने प्लान किया हुआ है आने वाले साल के अंदर, तो हम गुरुकुल ऐसा चाहे कि आने वाले टाइम में एक ऐसा हम प्रोग्राम भी करें जिस प्रोग्राम के अंदर जो सक्सेस को लेकर हमने अपना विजन बनाया है उसको अचीव करके एक इवेंट हम करें और वहां तक के जर्नी में, क्योंकि गुरुकुल का एक विजन है कि 5000 कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना है और उसमें से एक कंपनी नितमन गोड LLP है, वो माइंडसेट लेकर हम यहां पर आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डेफिनेटली आपका विजन तो उससे भी बड़ा है। हाँ, बड़ा। तो उससे आगे हम आपको लेकर जाने वाले। सही सही है। तो बहुत ही अच्छा रहा आज यहाँ पर डिस्कशन करते हुए और डेफिनेटली इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, कुछ नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे और आपके लाइफ के अंदर आप कुछ करें उसके लिए हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से आप लोगों का थैंक यू करना चाहूंगा और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।